तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि होली का दिन बहुत जल्द आने वाला है और बहुत सारा भाइयों ने कमेंट किया था कि होली पे फोटो एडिटिंग बताने के लिए, तो आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए होली स्पेशल फोटो एडिटिंग, जिसमें आप लोग को बताएंगे कि लड़की के साथ कैसे अपना फोटो एडिट कर सकते हो कुछ इस तरह से। और ऐसा फोटो एडिट करना इतना आसान है कि अगर आप लोग वीडियो को अच्छा से देखते हो तो एक ही बार में सीख जाओगे। तो अगर आप लोग इस एडिट को सीखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को कम्प्लीट देखे। और मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही ट्रेंडिंग फोटो एडिटिंग लेके आता रहता हूँ। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए ले चलते आप लोग को अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो इस फोटो को एडिट करने के लिए हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का यूज करने वाले हैं। तो अपना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लिए, उसके बाद आप लोग को यहाँ से जो फोटो को एडिट करनी है उस फोटो को सिंपली पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में एड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फोटो एड हो जाने के बाद इसका बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड के रिमूव करने के लिए क्या करना होगा आप लोग को, यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाता है कटआउट का। तो ये रहा कटआउट का ऑप्शन, सिंपली कटआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। और कटआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है पर्सन का, ठीक है। तो पर्सन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो पूरे बॉडी में रेड रेड सा आ जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पे देख सकते हो कहीं कहीं पे छोड़ दिया, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं कि अगर छोड़ दिया रहेगा कहीं कहीं पे तो ब्रश वाले आइकन पे जाना है। और ब्रश वाले आइकन पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे मान लीजिए कि चश्मा पे भी छोड़ दिया, तो इसको हम यहाँ से अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे जो भी पार्ट पे छोड़ दिया रहेगा वो उस पार्ट को यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हल्का छोड़ दिया था तो यहाँ से भी ले लिया, और थोड़ा सा इस साइड में भी ले लेते हैं, ठीक है भाई। और इस साइड में लेने के बाद हल्का बाल पे भी इसको अप्लाई कर देते हैं, हल्का हल्का करेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बाल पे अप्लाई कर देने के बाद कुछ इस तरह से एकदम अच्छे तरह से पूरे बॉडी पे रेड रेड अप्लाई कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से कर देना है डन, ठीक है भाई। और यहाँ से डन कर देने के बाद फोटो हमारा कुछ इस तरह से मतलब बैकग्राउंड रिमूव होकर आ जाएगा, ठीक है। और रिमूव होने के बाद आप लोग को यहाँ से सिंपली सेव कर देना है अपने गैलरी में, ठीक है। तो ये गैलरी में सेव हो जाएगा, और सेव हो जाने के बाद आप लोग को बैक चलना है, और बैक आने के बाद बैकग्राउंड को ऐड करेंगे, ठीक है भाई। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड कुछ इस तरह से। और मैं बता दूँ कि अगर आप लोग को ये बैकग्राउंड चाहिए तो सिंपली मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है भाई। और बैकग्राउंड पे अब उस फोटो को ऐड करना है जिस फोटो के वहाँ पर हमने बैकग्राउंड रिमूव किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वो फोटो जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया था उस फोटो को ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को ऐड वाले ऑप्शन से इस फोटो को भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। और ऐड करने के बाद एकदम अच्छे तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है आप लोग को। और मैं बता दूँ, फोटो एडिट करने में आप लोग को ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है, नहीं तो फोटो अच्छा से एडिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि सबसे पहले जो बैकग्राउंड हम रिमूव किए थे वो भी एकदम अच्छा तरह से नहीं हो पाया था। तो उसको ठीक करने के लिए आप लोग को इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ से फोटो को कैसे एडजस्ट करते हैं आप लोग ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी आप लोग को सीखना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इरेज वाले ऑप्शन पे सबसे पहले क्लिक करना है, और यहाँ पे हार्डनेस को कर देंगे 100, और साइज को अपने अकॉर्डिंग छोटा कर लेंगे, ठीक है। और जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा है। और साइज को छोटा कर देने के बाद आप लोग को क्या करना है, कुछ मतलब फोटो के इस साइड से मतलब लेफ्ट साइड से पूरा इरेज कर देंगे यहाँ, ठीक है। और इस तरह से इरेज कर देने के बाद आप लोग यहाँ पे गैप सब देख सकते हो, जैसे कि इसके बैक में अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई कैसे करेंगे, आप लोग को यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसके बैक में अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये बैक में अप्लाई करने से क्या होगा कि ऐसा फील आएगा फोटो देखने के बाद कि लड़का जो है ना लड़की के पीछे खड़ा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे लड़की का जो हैंड है उसके साइड साइड में एकदम अच्छे तरह से अप्लाई कर देना है। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, फिर आप लोग को बताते हैं। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि लड़की जो है उसके बैक साइड में अप्लाई की है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए कि बैकग्राउंड जो हम रिमूव किए थे वो एकदम अच्छे तरह से नहीं किया था। तो यहाँ पे आप लोग को इरेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और इरेज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ से जो साइड साइड में खराब है उस पार्ट को हम कुछ इस तरह से इरेज करके हटा देंगे। और कुछ इस तरह से सारा काम कर देने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि फोटो कितना अच्छा तरह से एडजस्ट हो चुका है, और इसमें अभी भी कुछ काम बाकी है। तो आप लोग ध्यान से देखते रहे, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से डन कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ से आप लोग को डन कर देना है और डन करने के बाद फिर से आप लोग को डन कर देना है, ठीक है। और डन करने के बाद देख सकते हो कि फोटो अभी ही कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, फिर से एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है और एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से जो PNG सबको एड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे टीका वाला यानी जो तिलक वाला PNG है उस PNG को एड करेंगे यहाँ पे। तो इस PNG को कैसे एकदम अच्छा तरह से एडजस्ट करना है आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इसको माथे पे एकदम अच्छे तरह से एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से साइज को छोटा करके एकदम अच्छे तरह से इसको लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जूम आउट करके आप लोग को दिखा देता हूँ एकदम अच्छे तरह से। और उसके बाद क्या करना है आप लोग को, सबसे ऊपर कोने में लास्ट में मिल जाता है डन वाला ऑप्शन, तो यहाँ से कर देंगे डन। और यहाँ से डन करने के बाद सेव हो जाएगा उस पर। उसके बाद आप लोग को एड फोटो वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप लोग को फिर से PNG को ऐड करेंगे। तो अब इसके बाद आप लोग को ये वाला PNG को ऐड करना है, जैसा कि ये देख सकते हो कलरफुल PNG है। तो सिंपली इस फोटो को यहाँ से फिर से ऐड कर देंगे उस फोटो पर, ठीक है। और इस PNG को साइज को हम बड़ा कर लेंगे और बड़ा करने के बाद आप लोग को इसको क्या करना है, नीचे साइड में एडजस्ट करना है, ठीक है। और ये PNG लगाने के बाद क्या होगा कि फोटो में जो है ना रियलिटी फील दे देगा, जो कि ऐसा नहीं लगेगा कि फोटो का बैकग्राउंड कटा हुआ है या फिर डुप्लीकेट टाइप का। उसके बाद आप लोग को कर देना है फिर से डन। और डन करने के बाद आप लोग को फिर से एड फोटो वाले ऑप्शन पर जाना है और एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे हम स्मोक का PNG ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये रहा स्मोक का PNG, सिंपली ये वाला PNG ऐड करेंगे और इस फोटो को सिंपली ऐड करना है जैसे सारे PNG को ऐड करते हैं, ठीक है। और कुछ इस तरह से इसको साइज मतलब साइड में लगाएंगे यहाँ पे, जैसे कि इसका स्मोक जो है लड़का के टी शर्ट पर आना चाहिए, ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग को ब्लेंड वाले ऑप्शन पर जाना है और ब्लेंड वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप लोग को सबसे नीचे मिल जाता है ओवरले का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है लाइटन का ऑप्शन, ठीक है। ओवरले पे नहीं जाना है, लाइटन पे जाना है। और लाइटन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग को कर देना है यहाँ से डन, ठीक है भाई। और डन करने के बाद आप लोग को क्या करना है, फिर से एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है और एक PNG को ऐड करेंगे जो कि गाल पे कलर लगाएंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये कलर वाला PNG है, सिंपली इसको ऐड कर लेंगे और सारी PNG आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ओपासिटी वो कर लेंगे कुछ इस तरह से, इसको 60 या फिर 65% के अराउंड यहाँ पे इसको रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 62% या फिर 61% रख लेते हैं इसको, ठीक है भाई। उसके बाद साइज को छोटा करके और कुछ इस तरह से इसके जो लड़का है उसके गाल पे लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एकदम अच्छे तरह से लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ इस तरह से लगा दिए हैं और यहाँ पे लगाने के बाद आप लोग को क्या करना है, सिंपली इस फोटो को कर देना है डन। और डन करने के बाद एक काम बाकी है जो कि लास्ट में फोटो को बहुत ही खूबसूरत बना देगा। तो यहाँ से आप लोग को टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से एडजस्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। और एडजस्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको सेकेंड नंबर में कॉन्ट्रास्ट के ऑप्शन को हल्का बढ़ा देंगे यहाँ से, तो फोटो कलरफुल दिखने लगेगा, ठीक है भाई। आप लोग को उसके बाद आप लोग को कर देना है यहाँ से डन। और डन करने के बाद फाइनली यहाँ पे देख सकते हो हमारा फोटो एडिट हो चुका है एकदम अच्छे तरह से कंप्लीट। और इस तरह का फोटो एडिट करना कितना आसान था आप लोग ने देख ही लिया। और इस फोटो को गैलरी में सेव करने के लिए आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सेव फोटो का, तो सिंपली सेव फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो गैलरी में एकदम बेहतरीन क्वालिटी में फोटो सेव हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये एडिट एकदम अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी। और मैं बता दूँ, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार फोटो एडिट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर मेरे दोस्त।